हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू अभिषेक वीएनएस ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं एक ऐसे पंडाल पे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज है दो फेस्टिवल। पहला है फेस्टिवल आपका 26 जनवरी और दूसरा है सरस्वती पूजा, जिसको कहते हैं बसंत पंचमी। सो गाइस, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सो गाइस, ये पंडाल पर जो मैं आया हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा पंडाल बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही ऐसा डाला गया है। और ये 26 जनवरी के हिसाब से जो पंडाल बना हुआ है, ये आपका तिरंगे का पंडाल बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी लुक कैसी आ रही है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको देखने को आज मिलेगा। सो आपको वीडियो बने रहिए। सो गाइस, फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको ये एक फ्लैग दिखेगा और इस पर चक्र बने हुए हैं। ये गेट है, फर्स्ट गेट है। और इसके बाद अगर आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये लाइटिंग चालू हो गई है। सो यहाँ पे लतर का डेकोरेशन का काम बहुत प्यारा किया गया है। करीब ये 50 मीटर का डिस्टेंस बनाया गया है और इसमें लतर उतर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको डेकोरेट किया गया है। और वो सामने आप दिखेगा फ्लैग का डिज़ाइन का, केसरिया वाइट और ग्रीन, इसमें आपको ये फ्लैग बना हुआ है, पंडाल दिखेगा आपको। सो गाइस, आइए हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं मूर्ति भी आपको। सो गाइस, हम लोग अंदर आ गए हैं और अंदर भी आप देखेंगे कि यह मूर्ति के पीछे माँ के, आप भारत माँ का प्रतिमा भी देखेंगे, मैप बना हुआ है पूरा और पीछे फ्लैग का पूरा डिज़ाइन दिया गया है LEDs पे। और इसके साथ आपको आगे हम लोग प्रसाद खा चुके हैं और मूर्ति भी बहुत शानदार बनी हुई है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 26 जनवरी भी है और आज बसंत पंचमी है, दोनों कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये है उसी को ये दर्शाया गया फ्लैग के साथ। सो गाइस, हम लोग चलते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट पंडाल में भी चलेंगे हम आपको लेके। फिलहाल ये शानदार इसका बहुत ज़्यादा बनाया गया पंडाल का डेकोरेशन किया गया है और लाइट पॉइंट भी आप देख ही रहे हैं, बहुत प्यारा है। गाइस, प्रसाद का वितरण हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पूरे जो भी पंडाल में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको यहाँ पर प्रसाद दे के ही यहाँ से विदा कर रहे हैं। सो गाइस, प्रसाद ये लगी हुई हैं, जो भी लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनको बस ये प्रसाद दे के तो ही विदा किया जा रहा है। बाकी जितने लोग भी आ रहे हैं आप देख सकते हैं प्रसाद ले लेके ये फिर वापस जा रहे हैं। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पंडाल में, चलते हैं फिर आपको लेकर चलते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, बहुत प्यारे वीडियो बनाए हो। सो गाइस, हम लोग एक पंडाल पे और आ चुके हैं यहाँ पर।
भी आपने देखा कि यहाँ पे ढोल लगा रहे बहुत बढ़िया बज रहे थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था और म्यूजिक यहाँ भी चालू हो गया यहाँ पे। और पीछे बैक साइड अगर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ आरती दिखाने को मिला। और सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ माँ को चुनरी पहनाते हुए सारे यहाँ के जो भी लोकल रहने वाले हैं सारे लोग यहाँ पे आरती के टाइम जुटते हैं और बहुत बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं लोग। आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली गढ़ यहाँ पे आते हैं, सारे यहाँ लोकल ही फैमिली वाले हैं कि जो कि यहाँ पे आके यहाँ पे दर्शन पूजा कर रहे हैं। और अभी श्रृंगार हो रहा था इनका, देखें कि आरती वारती बहुत बढ़िया ढंग से हुआ है। और जब भी जाएंगे यहाँ पे तो जो भी लोग आए हैं यहाँ पर उनको भी प्रसाद दे के यहाँ से विदा करेंगे। सो गाइस कितना शानदार तरीके से यहाँ पे श्रृंगार हुआ है माता का। आप मैं बहुत ही सही समय पर यहाँ पहुँचा हूँ कि जो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाया। और आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे थे और इतना भव्य श्रृंगार किया गया है यहाँ पर लोगों के द्वारा। और साथ में ये आप देख सकते हैं प्रसाद लगे हुए हैं जिसमें से ये चने लिख रहे हैं घुघरी जो चने की होती है, और साथ में ये हलवे हैं सूजी के, और ये दोनों ही प्रसाद के रूप में वितरण किए जा रहे हैं लोगों को। और ये सब आप देख सकते हैं कि सारे लोग ले लेके ही घर जाएंगे वापस, और हम लोग भी अब प्रसाद खाते हैं और खाने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जगह जाएंगे जहाँ पे कि कोई और भी पंडाल हो उसको मैं विजिट करूँ। ये पूरा व्यवस्थापक है, तो ये लोग सारे लोग जो भी हैं यहाँ के व्यवस्थापक हैं और इन्होंने ही पूरा ये डेकोरेशन और मूर्ति स्थापना की है, और ये सारे लोग मिल के यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और जो कि ये लोग पूरे सपोर्ट। कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका? सरानंद रामलीला मैदान। ठीक है, आपका क्लब का नाम क्या पड़ेगा? नेशनल स्पोर्टिंग क्लब। और इसे किस सन से बैठाया जा रहा है? 1980 से। 1980 से। और ये सब आप ही लोग सारे लोग मिलकर बैठाते हैं? हाँ, पूरे कपड़े यहाँ के नाचते हैं, हाँ लेके पढ़ते हैं हम लोग, चंदा उंदा लेके कराते हैं हम लोग, चंदा उंदा लेके और पास से कुछ लगा कर हम लोग इस पूजा को हर साल कराते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दो दिन इसी होता है। हाँ, इस बार प्रोग्राम नहीं हुआ है सर, इस बार प्रोग्राम हम लोग का होने वाला समय था, कम मिल पाया, समय कम हम लोग तैयारी नहीं कर पाए। सुबह हम लोग न्यू पंडाल पे एक और आ चुके हैं, ये तीसरे पंडाल पे हम लोग आए हैं और यहाँ के भी लाइटिंग वाइटिंग बहुत प्यारी लगी रही है। बस इसी को दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, दो ही तीन मैं शूट करूँगा और इसके बाद मैं फिर चलूँगा। सुबह सब यहाँ भी लाइटिंग वाइटिंग लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, लतर उतर आप देख सकते हैं। और यही सब आकर्षण का कारण होता है पंडालों की, इससे लगता है कि बहुत अच्छा से इसको डेकोरेट किया जाता है कि एक देखने में लोगों को बहुत प्यारा लगे और बहुत अच्छे से इसको सजाया जाता है पंडालों को। तो गाइस आइए हम लोग अंदर चलते हैं, दिखाते हैं माँ की प्रतिमा को। सो गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा मूर्ति है, इनकी फेस को देखें ऐसा लगेगा अभी बोल पड़ेंगी। सो गाइस बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, और पीछे इनके जो आप देख रहे हैं वो शिवलिंग दिख रहा है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी और कैसे जहाँ जहाँ मैं गया किस टाइप का लगा आपको। सो गाइस आने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि वीडियो सब देखते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। सो गाइस एक प्रतिमा यहाँ भी बैठी हुई है मूर्ति, और यहाँ भी आप लेदर का डेकोरेशन देख सकते हैं कुछ दूर से, लेकिन बहुत थोड़ा अंदर चलना पड़ेगा। आइए हम लोग गाइस अंदर चलते हैं और अंदर चल के उस माँ के भव्य प्रतिमा का दर्शन कराते हैं आपको यहाँ के भी।
जैसे 26 जनवरी या प्लस बसंत पंचमी दोनों पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो वहाँ भी अपने दिखाया, और यहाँ भी देख सकते हैं कि जो बैलून्स का कॉन्सेप्ट है वो भी तिरंगा का ही है। और इसी के साथ इस पंडाल में सारे ऑर्गेनाइजर ही लोग बैठे हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है, और यही सब भाई लोग हैं जो कि सारा रात भर यहाँ रह के ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सब कल तक रहेगा आपका, कल विसर्जन। सो गाइस कल 6 बजे तक विसर्जन हो जाएगा इसका, ये केवल एक दिन के लिए होता ही है। सो अब समय देख सकते हैं कि बच्चे बच्चे सारे फोटो शूट कराने में लगे हुए हैं, सब एकदम डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। सो गाइस आपने देखा कि यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे पंडाल आपको दिखाए, 3 से 4 मूर्तियाँ दिखाएँ। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा उसके लिए, लेकिन आप सब्सक्राइब करना बहुत मस्ट है, सो कर लीजिएगा। भाई बार बार बोलता है, तक के लिए गुड नाइट।